फेवरेट टीम तो मेरी है मुंबई, पर इस साल जीतेगी पुणेरी पलटन। अरे अरे, तुम सबका फेवरेट प्लेयर कौन है? पेरेंट्स बोलते थे कि कबड्डी तो नो, वी नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, और अभी पेरेंट्स खुद से आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को कबड्डी में ले लो। ये दिन सिर्फ प्रो कबड्डी ने दिखाए। Welcome to Game On, not so expert opinion, but right now today I have an expert in the field of kabaddi, हमारे कबड्डी के महारथि। मैं आया हूँ यहाँ पे आज पवार पब्लिक स्कूल में भांडुप, जहाँ पे यहाँ के बच्चे लोग, जैसे आप देख रहे हो बच्चे लोग तो खेल रहे हैं कबड्डी। यहाँ पे मैं इनसे पूछने आया हूँ कि भाई एक कबड्डी प्लेयर बनने के लिए कितना मेहनत लगता है, क्या जो टर्म्स होते हैं, हाई फाई किसको बोलते हैं, रेड किसको बोलते हैं, बोनस पॉइंट किसको बोलते हैं, पूरा कबड्डी और प्रो कबड्डी का पूरा ज्ञान निचोड़ने आया हूँ। तो सर पहले आप बताओ, आप यहाँ पे कौन और क्या करते हैं? माई सेल्फ उदय पाटिल, और मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स टीचर काम कर रहा हूँ, मगर मेरी पैशन, मेरी हॉबी है कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग का ऑक्शन आ रहा है 15-16 तारीख को, जहाँ पे कितने सारे प्लेयर्स रिटेन होने वाले हैं, कोई प्लेयर ये टीम से वो टीम में जाने वाला है, वो हाइप तो रहेगी, बट ऑक्शन के अलावा बहुत सी चीज़ होती है, लोगों को पता ही नहीं है कबड्डी के बारे में। एक्चुअली ये जादुई खेल है कि जिसमें बोला जाता है कि कोई मरकर जिंदा होता है, एक प्लेयर डाय होता है, बाहर जाता है ग्राउंड से, और फिर वो जिंदा संजीवनी लेकर वापस आता है, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है। दूसरा ये गेम है जो हमारा इंडियन गेम है, जिसको मिट्टी से ऊपर लाया गया और आज वो मैट तक पहुंच गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये ओलंपिक्स तक पहुंचे। दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स आकर अभी हमारे प्रो कबड्डी में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर दैट कि एक गेम ग्रो हो रहा है, पर प्रो कबड्डी जितना जो फेम था, नेम था, किसी को नहीं मिल पाया है। तो प्रो कबड्डी का कबड्डी को एज अ स्पोर्ट ऊपर लाने में कितना हाथ है? प्रो कबड्डी के वजह से ये गेम घर घर तक पहुँचा, बच्चों तक पहुंचा, और प्रो कबड्डी ने इसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, जो न्यू रूल्स लाए उसमें, उसके न्यू रूल्स के वजह से ये गेम इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि बच्चा इस खेल को खेलने लगा। पेरेंट्स बोलते थे कि कबड्डी तो नो, वी नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, ऐसे जनरली एटीट्यूड था, क्योंकि ये मैदानी खेल था, इसमें मिट्टी थी, तो लोग नहीं भेजना चाहते थे, बट नाउ डेज द गेम सिनेरियो चेंज, और अभी पेरेंट्स खुद से आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को कबड्डी में ले लो। ये दिन सिर्फ प्रो कबड्डी ने दिखाए। ये दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ हैविंग अ लीग फॉर अ स्पोर्ट लाइक कबड्डी इन इंडिया। आप कबड्डी का अगर बेसिक, अगर किसी को पता भी नहीं है कबड्डी, तो कबड्डी के बेसिक रूल क्या होते हैं, खेली कैसे जाती है? एक गेम एक्चुअली दो टीमों में खेली जाती है, 7 प्लेयर्स होते हैं, उनके प्लेसेस के नाम है, जैसे राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, सेंटर की कवर होती है, राइट फॉलर, लेफ्ट फॉलर, उसके सपोर्टिव प्लेयर्स होते हैं, रेडिंग होती है, कैचिंग होती है, तो इसमें कैसा काफ़ी इंटरेस्टिंगली ये गेम खेला जाता है। ये गेम टोटल पॉइंट्स ऐसे नहीं, इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप एक्वायर करोगे वो टीम जीत जाती है। कबड्डी के थोड़े आइकॉनिक मूव्स क्या होते हैं? देखो, काफ़ी आइकॉनिक मूव देखा जाए तो अभी टो होल्ड जो है, उसके लिए काफ़ी कंसंट्रेशन लगता है, जैसे वो बगुला होता है जो पानी से मछली निकालता है, उस टाइप की वो काफ़ी खूबसूरत ऐसी मूव है टो होल्ड की, तो टच टो होल्ड दोनों भी काफ़ी मायने रखते हैं। बैक कैचेस है, देन थाई होल्ड्स है, देन बैक किक्स है, ये काफ़ी खूबसूरत ऐसे मूव्स कबड्डी के आइकॉनिक मूव्स है। अगर ये कुछ आइकॉनिक मूव यहाँ पे हमको देखने मिल जाए, कोई अगर हमको बता दे तो कोई जरूर। सबसे टफ मूव दिखा कौन सा है कबड्डी का? अच्छा, ये मूव को क्या बोलते हैं बता? थायोल बोलते हैं। तो ये तूने क्या किया अभी? सेकेंड वाला फ्रंट किक था, फर्स्ट वाला बैक किक। तो ये किक की क्या खास बात है? मतलब डिफेंडर सामने वाला डर जाता है, और अगर वो हम फेक करके उधर बोनस ट्राई कर सकते हैं तो 2 पॉइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। 2 पॉइंट मिलने के चांसेस। हाँ, और कौन सा है उसके बाद, कौन सा मूव है? डुबकी कौन करने वाला है? डुबकी दिखा अभी, तू दिखा। तो ये तूने क्या किया मेरे को बात बता, ये क्या किया?
इट इज वन, ये सबसे, ये प्रदीप नरवाल का सबसे आइकॉनिक डुबकी था. इसके अंदर दो कवर्स के बीच में से जाना होता है. इसके लिए एकदम प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए होता है, नहीं तो हम कवर में फंस सकते हैं. जो टो होल्ड होता है ना, वैसे ही एक डाइव कैच होता है कॉर्नर से. जब प्लेयर बैक कॉर्नर को मारने के लिए आता है, तब सडनली उसका टाइमिंग मैच करके ये डाइव मारी जाती है. और ये काफ़ी खूबसूरत है कि एक एक बार ये बैठ गई कैच तो प्लेयर हिलने का नाम नहीं लेता. दिखाओ ज़रा, दिखते हम लोग भी. लॉक हो जाता है प्लेयर, ये डाइव एक बार अगर थाइज में बैठ गई जगह पर ही प्लेयर लॉक होता है, तो उसको ताकत निकालने को टाइम नहीं होता है. तो और जब ये डाइव मारी जाती है, तब फॉलर भी, राइट फॉलर भी स्पीड में आकर उसको कवर कर सकता है. तो ये परफेक्ट कैच है, मगर इसमें टाइमिंग मेक्स अ रोल. अच्छा, मेरे को लड़कियों से बोलना, मेरे को सब यहाँ पे गर्ल्स आ जाओ यार, जरा यहाँ पे आ जाओ सब. कितना लोग बोलते ना ऐसे घर में बैठ के, अरे कितना आसान है, क्या है कबड्डी स्कूल में लगे रिसेस में खेलते हैं. बट अब मैं तुम लोग से जानना चाहूंगा, ये कबड्डी कितना टफ स्पोर्ट है. सर, लोग बोलते हैं कि कबड्डी बहुत इजी है खेलने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है. रोज़ हम लोग स्कूल को 6:30 को आते हैं और वार्म अप करते हैं, एक घंटे के लिए कबड्डी खेलते हैं, फिर शाम को भी हम लोग नीचे जाके खेलते हैं. और डाइट और सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, फिटनेस भी मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज अगर आपको कोई पटक देगा तो ज़्यादा लगना नहीं चाहिए. पहले मैं कबड्डी ज़्यादा अच्छा नहीं खेलती थी, अब जितना प्रैक्टिस होते गया उतना मेरा इम्प्रूव हुआ कबड्डी पे. मैं एंकल होल्ड करती हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग होते गया. तुम लोग प्रो कबड्डी देखते हो, प्रो कबड्डी लीग देखते हो तुम लोग, तुम सबका फेवरेट प्लेयर कौन है? असलम. क्यों? अच्छा रेडिंग करता है. अच्छा, और सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? पुनेरी पलटन. अरे ये सब पुनेरी पलटन वाले हो तुम लोग यार. अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग खेल सकते हो. अभी मैं सर से थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. तो सर आप बताओ, सर आप बताओ आपका नाम क्या है? माय नेम इज संदीप चौहान, आई एम नेशनल कबड्डी प्लेयर एंड एनआईएस कोच. तो सर आपकी क्या फेवरेट टीम है और क्या सा फेवरेट प्लेयर है और क्यों? फेवरेट टीम तो मेरी है मुंबई, पर इस साल जीतेगी पुनेरी पलटन. अरे अरे ये ऐसा क्यों सर? क्योंकि पुनेरी पलटन में सब एंगेज प्लेयर हैं, असलम इनामदार, आकाश शिंदे जो अच्छे रेड मारते हैं, कवर पे भी ज़्यादा टैकल करते हैं, वहाँ संकेत सावंत है जो मुंबई के ही है, आकाश शिंदे महाराष्ट्र के प्लेयर है जो अभी बीच कबड्डी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. तुमको क्या लगता है पीकेएल में ऐसी कौन सी दो टीम्स है जो मतलब एकदम यू नो राइवलरी एकदम क्रेजी है? कौन है में कौन, इधर आप बता जरा. जैसे कि लास्ट ईयर पुनेरी पलटन ने फर्स्ट मैच में यू मुंबा को हराया था 10 पॉइंट से, एंड सेकंड मैच में इट वाज अ टाई. तू किसकी टीम को सपोर्ट? मैं तो पुनेरी पलटन सपोर्ट. ये भी पुनेरी पलटन वाला आ गया भाई, मतलब यहाँ पे सब पुनेरी पलटन वाले हैं. मुझे तो आपको क्या लगता है सर ये बार पीकेएल में किसका कौन सी टीम का पलड़ा भारी ज्यादा रहेगा ऑक्शन? ऑक्शन में तो अभी जो चालू है पुनेरी पलटन, कि पुनेरी पलटन ही खेलती रहेगी. मगर सिद्धार्थ, हम लोगों को लगता है कि एक बार फिर से हमारे जो गोल्डन डेज थे अबाउट द यू मुंबा की वो वापस आए. पर पुनेरी पलटन ने जो अभी दबदबा बनाया है, जिस तरीके से वो ऑक्शन में यंग प्लेयर्स हर साल उठा रहे, अच्छे कॉम्बिनेशंस बना रहे, तो अकॉर्डिंगली दे आर लीडिंग द कबड्डी. बट यार यही था हमारा आज का नॉट सो एक्सपर्ट ओपिनियन. हमारी वीडियो का नाना पड़ी यहाँ पे, हमको आज बहुत सी एक्सपर्ट ओपिनियन मिली है. तो थैंक यू, हमारा यही अटेम्प्ट था कि लोगों को बताए कि आप लोग यहाँ पे कबड्डी के, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही कि कबड्डी क्या है, क्या सुपर रेड होता है, क्या टैकल होता है, क्या बोनस होता है, तो उनको बताने का अटेम्प्ट ये था. तो आज का वीडियो इसी के बारे में था, एंड थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट करो कि ये बार प्रो कबड्डी के ऑप्शन में कौन सा प्लेयर भारी बिकने वाला है, कौन सा प्लेयर कम का बिकने वाला है, और कौन सी टीम जीतने वाली है. और बाकी के लिए तो पूरा सीजन का कुछ ना कुछ ले आएंगे आपके लिए. तो फॉलो गेम ऑन.